आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इकोसिस्टम में ऐसी इकोसिस्टम कहते हैं एनवायरनमेंट को। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इकोसिस्टम में ऐसी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि उनका एक भी इंडिविजुअल जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है और वो इस दुनिया से चला गया है, ठीक है, डाइड हो गया है। किसी भी इकोसिस्टम में ऐसी स्पीशी को आप क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। इस तरह की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी अब वो दुनिया में एक भी उनका इंडिविजुअल जो है वो नहीं रहा। आपको डाउट भी नहीं है, कन्फर्म हो गया कि एक भी इंडिविजुअल नहीं रहा, और जो लास्ट इंडिविजुअल रह भी गया था वो भी क्या हो गया है, मर गया है, उसको आप कह देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। अब आप डायनासोर देख सकते हैं, कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल भी नहीं है कि आपको दुनिया में इसका नजर आए, ठीक है, इसका मतलब ये वाली स्पीशी क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशी। नेक्स्ट वन आपके पास है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशी का क्या मतलब है कि एक ऐसी स्पीशी जिसका फ्यूचर में खतरा हो के ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, यानी अभी वो ख़त्म नहीं हुई लेकिन नियर फ्यूचर में आपको खतरा होगा कि वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशी होती है। फॉर एग्जांपल लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, ठीक है, स्वैम डियर, यानी इनका खतरा है कि क्योंकि इनकी थोड़ी सी स्पीशीज रह गई हैं तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आने में कुछ सालों बाद जो है इनकी स्पीशी बिल्कुल ना रहे, ये एक्सटिंक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन है कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, यानी स्पीशीज ख़त्म होने की वजह क्या है, क्या क्या वजूहत हैं। फर्स्ट वन है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस मतलब जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उस जगह को ख़त्म कर देना। उसके बाद डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन भी क्या कर देना, लकड़ियों को मतलब दरख्तों को काट देना, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए। उससे भी क्या होगा कि वो दरख्तों पर जो है वो काफ़ी स्पीशीज के जो है वो घर होते हैं, ठीक है, नेस्ट वगैरह बनाए होते हैं, तो वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद ओवर हंटिंग, ठीक है, यानी हंटिंग जो शिकार ज़्यादा करना, उसकी वजह से भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है, यानी आप नई जो है स्पीशी किसी भी इन मुल्क में जो है या रीजन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं या उस स्पीशी को उस जगह से निकाल देते हैं, ठीक है, यानी अगर एक जो स्पीशी है वो फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक एरिया गया तो आप उसको उठा के पाकिस्तान में ले आते हैं। अब क्या होगा कि टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, वहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है उसमें माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ पे जो है वो 40 तक चला जाता है, तो उसकी वजह से वो जो स्पीशी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसके बाद है पोल्यूशन, गंदगी, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से भी जो है वो स्पीशीज जो हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ तो कहीं पे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो है उनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कुछ कॉजेज थे स्पीशीज एक्सटेंशन के। नेक्स्ट वन है व्हाट हैपन्स इफ सी स्टार रिमूव फ्रॉम सी, यानी अगर हम सी स्टार जो है उनको समुंदर से निकाल दें तो क्या होगा। सी स्टार जो है वो किसके ऊपर लाई करते हैं, मसल्स। मसल्स भी एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सी स्टार मसल्स को खाते हैं। अगर आप सी स्टार को निकाल देंगे ओशन से तो मसल्स का नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि देखें आप सी स्टार उसको नहीं खाएंगे तो मसल्स तो रैपिडली इंक्रीज होते जाएंगे। अब जब लार्ज नंबर जो मसल्स हैं वो आपकी ओशन में हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो पूरी डिफरेंट, क्योंकि जो लार्ज मसल्स हैं वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स को खाने की वजह से क्या होगा कि बिल्कुल अगर लार्ज नंबर ऑफ मसल्स होंगे तो वो सारे स्मॉल एनिमल्स को खा जाएंगे, जिसकी वजह से स्मॉल एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये पूरी सिचुएशन होगी अगर हम सी स्टार को सी में से या ओशन में से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाई नो प्लांट्स ग्रो नियर यूकेलिप्टस ट्री, यानी यूकेलिप्टस एक ट्री है, दरख्त है, उसके पास जो है बाकी प्लांट्स ग्रो क्यों नहीं करते। यूकेलिप्टस दरअसल एक ऐसा पौधा था जिसको जो पाकिस्तान का नहीं था लेकिन हमने उसको पाकिस्तान में जो है ले आए, ठीक है, और उससे क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान में जो वाटर टेबल अंडरग्राउंड वो कम था। अब क्या हुआ कि जब आपने यूकेलिप्टस प्लांट जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेता था, कंज्यूम कर लेता था, जब भी आप इस जग को लगाएंगे तो इसके आसपास वाले पौधे जो हैं वो जो पानी कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और सारा पानी जो है ये वो खुद कंज्यूम कर लेगा, ठीक है।
इसमें फिर इसी वजह से ये आसपास के जितने भी इसमें स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो यूकेलिप्टस ट्री के पास ग्रो करते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें इसको जो है इसके जहां से हम इस यूकेलिप्टस प्लांट्स को लाए थे वहीं पे छोड़ाना चाहिए। हम इसलिए लाए थे ताकि हम इससे जो है वो पेपर प्रोडक्शन, क्योंकि यूकेलिप्टस ट्री जो है उससे पेपर, उसकी लकड़ी को हम पेपर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने कहा कि हमें जो है वो इम्पोर्ट ना करवाना पड़े, तो इसलिए हम यूकेलिप्टस प्लांट को अपने कंट्री में ले आए। आज का टॉपिक यहीं तक था। कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।